हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विदाउट एनी डाउट आई एम खुशहाली है। आज के वीडियो में हम रेशियोज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, और ये जो है ये आपके बैंक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके जो हर एक जो एग्जाम होते हैं उसमें रेशियो में से आपका एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। इसके अलावा अगर आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या तो फिर मिक्सर एंड एलिगेशन को सॉल्व करना है, एज एंड एवरेज के क्वेश्चन को बनाना है, या तो फिर डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करना है, इन सभी के अंदर आपको जो है रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो रेशियो के ऊपर आपका बहुत ही अच्छा कमांड होना ज़रूरी है। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ 4500 रुपीज इज इन्वेस्टेड बाय ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1:3:5 देन व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। ओके, तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, हमें ए बी एंड सी का रेशियो दिया गया है। तो देखिए क्या रेशियो दिया गया है हमें, 5, और इसके साथ में क्या दी गई है हमें, टोटल अमाउंट दी गई है 4500 रुपीज। ओके, सो ये 4500 है, ये क्या है, ए बी एंड सी का जो इन्वेस्टमेंट है उसका टोटल है, राइट। तो हम वही चीज रेशियोज के साथ भी कर सकते हैं, यानी 1, 3 एंड 5 का अगर हम टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सो 9 = 4500 हम कह सकते हैं। अब देखिए 9 = 4500 है, तो 1 = क्या हो जाएगा, 4500 / 9 हो जाएगा। सो अगर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 500 हो जाएगा, यानी 1 पार्ट हमें क्या मिल गया, 500। अब देखिए जब भी हमें 1 पार्ट मिल जाता है उसके बाद में हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। अब देखिए हमें क्या पूछा गया है, बी का हिस्सा पूछा गया है, तो बी का शेयर कितना है, 3 है। सो हम क्या करेंगे, 500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1500 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, अगर हमें सी का हिस्सा पूछा जाता तो 500 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते, अगर ए का हिस्सा पूछा जाता तो 500 को 1 से मल्टीप्लाई करते। ओके, सो बहुत ही ईजी है। क्या करना है, हमें टोटल इन्वेस्टमेंट दिया था इसलिए हमने रेशियो का भी टोटल किया, टोटल को टोटल से डिवाइड किया तो हमें 1 पार्ट मिल गया। 1 पार्ट मिलने के बाद तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन इज प्राइस ऑफ स्कूटर एंड टीवी आर इन द रेशियो ऑफ 7:5 इफ द स्कूटर कॉस्ट 8000 रुपीज मोर देन द प्राइस ऑफ टीवी देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ टीवी। ओके, हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले देखिए स्कूटर एंड टीवी का रेशियो दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं स्कूटर एंड टीवी का रेशियो क्या है, 7:5। और इसके साथ में हमें क्या बताया गया है, देखिए जो स्कूटर की प्राइस है वो टीवी की प्राइस से 8000 रुपीज ज्यादा है, यानी ये 8000 रुपीज क्या है, बेसिकली ये 8000 रुपीज जो है ये स्कूटर एंड टीवी की जो प्राइस है उसका डिफरेंस है, राइट। तो हम लिख सकते हैं स्कूटर की प्राइस माइनस टीवी की प्राइस इक्वल्स टू 8000 रुपीज। ओके, सो देखिए हमें ये जो थिंग दी गई है वो सेम थिंग हम रेशियो के साथ भी कर सकते हैं, मतलब स्कूटर माइनस टीवी कर सकते हैं। सो 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 2। सो 2 = 8000 रुपीज कह सकते हैं हम। सो अगर 2 = 8000 रुपीज है तो 1 = 4000 रुपीज हमें मिल जाएगा। तो अब जब हमें एक पार्ट मिल जाता है उसके बाद में हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। अब हमें क्या पूछी गई है, हमें टीवी की प्राइस पूछी गई है, तो टीवी का रेशियो कितना है, 5 है। सो 4000 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20000। ओके, सो बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हमें सिर्फ थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया था, हमें स्कूटर एंड टीवी की जो प्राइस था उसका डिफरेंस दिया गया था 8000 रुपीज। तो हमने क्या किया, सेम थिंग स्कूटर माइनस टीवी हमने रेशियोज में अप्लाई कर दिया, उसके बाद में हमें आंसर मिल गया। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ए बी एंड सी बॉट एप्पल्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एप्पल्स ऑफ ए एंड सी इज 60 देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बी एंड सी। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें ए बी सी का रेशियो दिया गया है, क्या रेशियो दिया गया है हम लिख लेते हैं, ए बी एंड सी इक्वल्स टू दिया गया है, और हमें साथ में क्या दिया गया है, ए एंड सी का डिफरेंस दिया गया है 60, तो हम लिख सकते हैं ए माइनस सी इक्वल्स टू 60। ओके, अब यही सेम थिंग हम रेशियोज में भी अप्लाई कर सकते हैं, ए माइनस सी क्या हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा हमारा 3, तो हम कह सकते हैं 3 = 60। अगर 3 = 60 है तो 1 = क्या हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा, राइट। अब हमें एक हिस्सा तो मिल ही गया है, अब हमारा आंसर बहुत ही ईजिली आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी,
ओके, यानी हमें बी एंड सी का डिफरेंस पूछा गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर अभी ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले बी का हिस्सा निकालेंगे, उसके बाद में सी का हिस्सा निकालेंगे, बाद में उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ओके, लेकिन देखिए हमें यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें किस तरह से प्रोसीड करना है, डायरेक्टली बी माइनस सी हम यहाँ पे ही कर देंगे। सो थ्री में से टू चला जाएगा तो हो जाएगा वन, सो 20 × 1 हो जाएगा 20। ओके, सो 20 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 690 रुपीज इन्वेस्टेड बाय ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/3 एंड 3/4, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ ए। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पे ए बी एंड सी के रेशियोज दिए गए हैं। क्या दिए हैं, 1/2, 2/3 एंड 3/4। ओके, और ये सारे के सारे रेशियोज हमें फ्रैक्शंस में दिए गए हैं। तो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो हमें क्या करना है, सिंपली इनका एलसीएम निकालना है। तो देखिए 2, 3 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। और देखिए अगर आपको ऐसे सिंपल नंबर्स के एलसीएम निकालने भी प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे 12 एलसीएम हो रहा है, सो 2 6 12 होता है, सो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 3 4 12 होता है, सो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। एंड 4 3 12 होता है, सो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी हो जाएगा 9। ओके, सो हमें अब इसके सिंपल रेशियोस मिल चुके हैं। अब इसके अलावा हमें क्या बताया गया है, देखिए हमें टोटल इन्वेस्टमेंट दिया गया है 690। ओके, सो ये टोटल है, ये क्या है, ए बी एंड सी का जो इन्वेस्टमेंट है उसी का टोटल है। सो वही सेम थिंग हम रेशियोज में भी अप्लाई करेंगे, 6 + 8 + 9 क्या हो जाएगा हमारा, 23 हो जाएगा। सो 23 इज इक्वल टू 690 है, सो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम 23 से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पे 30 मिल जाएगा। सो इसका 1 पार्ट हमें 30 मिल गया है। ओके, अब देखिए हमें किसका हिस्सा पूछा गया है, ए का हिस्सा पूछा गया है, और ए का हिस्सा क्या हमने निकाला है, 6। ओके, सो 30 × 6 हो जाएगा 180। ओके, सो हमें ए का शेयर मिल गया है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और क्वेश्चन इज, इफ 108 एप्पल्स आर डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 4:5, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द शेयर ऑफ ए एंड ट्वाइस द शेयर ऑफ बी। ओके, सो सबसे पहले हमें ए एंड बी का रेशियो दिया गया है, क्या दिया गया है, 4:5। ओके, और हमें टोटल एप्पल्स दिए गए हैं 108, राइट। सो देखिए हमें टोटल एप्पल्स दिए गए हैं, वो क्या है, ए एंड बी का टोटल है। सो हम इसका टोटल बना लेते हैं, 4 + 5 हो जाएगा 9। सो अगर इसको हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमें 12 मिल जाता है, जो कि हमारा एक हिस्सा है, राइट। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द शेयर ऑफ ए, थ्राइस द शेयर ऑफ ए मतलब 3A हो गया, एंड ट्वाइस द शेयर ऑफ बी मतलब कि 2B। ओके, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो देखिए 3A मतलब A का हिस्सा 4 है, सो 3 × 4 हो जाएगा 12, एंड 2 × 5 हो जाएगा 10, राइट। सो 12 - 10 हो जाएगा हमारा 2। तो अब हमें क्या करना है, इसका दो हिस्से फाइंड आउट करने हैं। सो 12 हमारा एक हिस्सा था, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 24। ओके, आज की वीडियो के अंदर हमने 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा है। इसके अलावा भी बहुत से अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आऊंगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।